हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 CBSE बोर्ड के जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, ठीक है, जो कि NCERT पे आधारित है, कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया। ये चैप्टर हमारा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें हम दक्षिण एशिया के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इस जो है वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत जो है करेंगे, समझेंगे क्वेश्चनों को और उसके आंसर को एनालाइजिंग करेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा वो काफ़ी महत्व रखेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। तो आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, चाहे BA, MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान से सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अराइव हियर। एनालाइसिस देयर कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। यू नो दैट देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। एनालाइसिस द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। यू नो दैट द साउथ एशियन कंट्री इंक्लूड हियर कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स एंड श्रीलंका। दोज आर देयर इज अ साउथ एशियन कंट्रीज हियर। आई रिपीट अगेन, द साउथ एशिया कंट्री इंक्लूडेड हियर इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स एंड श्रीलंका। द वेरियस नेचर एरिया सच अ हिमालयस, अरबियन सी, Bio Bengal, Indian Ocean are part of this region. You know that there is an important here for the natural areas here. Himalayas, there is a highest peak point here. Arabian Sea also, and Bio Bengal and Indian Ocean. Let's see common problem for South Asian country for this. The first point arrive here and common problem for the South Asian country here. Poverty. All country of South Asia suffer from the large masses living in poverty. First of all here, poverty. In India, nearly 38% of people are living in a poverty. You know that there is important. There is a first point is a poverty is the most important problem facing in this country here. But India is a nearly 38% of people living in a poverty line. There is a poverty, not a poverty line here. There is a 38% of people living a poverty. This is the most important here. And second here, violation of human rights. And there exists a great threat to human rights from an anti-social element. Anti-social element and communalist and from a people with a negative attitude, thinking and approach here. There is an anti-social element, communalist here. There are negative attitude and thinking and approach here. And the next point, a problem faced by democracy, several countries of South Asia aspire to be a democratic country. But face a problem. The problem faced by the democracy, several countries of South Asia aspire to be a democratic country, but face a problem.
एंड द नेक्स्ट पॉइंट ह्यूमन एम्प्लॉय द ह्यूमन आर जनरली सीन एट द लोअर पोजिशन इन अ मोस्ट ऑफ साउथ एशियन नेशन यू नो दैट देर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर प्रॉब्लम हेयर देर इज अ लोअर पोजिशन इन द मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन नेशन देर इज अ ह्यूमन एम्प्लॉयज एंड देर आर रिस्ट्रिक्टेड एंड आर नॉट अ फ्री एज देर आर कंट्री पार्ट्स दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर द ह्यूमन एक्टिविटी इज वेरी लो पोजिशन फॉर साउथ एशियन नेशन बट अदर कंट्री पार्ट देर इज अ फ्री फॉर ह्यूमन्स ऑल एक्टिविटीज हेयर बट बट साउथ एशियन नेशन देर आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर देर इज नॉट अ फ्री फॉर अदर हेयर दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको सबसे पहली तो ये बात पता हो जाने चाहिए था कि समकालीन दक्षिण एशिया देशों में कौन कौन सा देश सम्मिलित है यानी जनरली से देखा जाए तो भारत के पड़ोसी देश यानी भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो समकालीन दक्षिण एशिया कंट्री के अंतर्गत आता है अब देखा जाए तो भारत के जो पड़ोसी देश है और भारत है इनमें जनरली कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो सभी देशों में मौजूद है ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया ना कि और एग्जामिनर के लिए भी फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि जनरल सी बात है दक्षिण एशिया देशों के सामान्य समस्याओं का यहाँ पर हमने विश्लेषण करना है कि दक्षिण देश जो है उन्होंने कौन कौन सी समस्या का जो है सामना करना पड़ा है अगर आपको क्वेश्चन का मतलब पता हो ना और देश का नाम पता हो तो उनकी समस्या आप जनरली बता दोगे क्योंकि देखा जाए अगर अमेरिका की बात कर किया जाए तो उन देशों में समस्या नहीं है उनमें तो है आगे आपको पता है प्रोग्रेस कर रहे हैं जनरली जो देखा जाए तो भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें आए दिन समस्या बनी ही रहती है कभी बॉर्डर के रिगार्डिंग कभी देश के रिगार्डिंग कभी अपनों ही जो है जालों में फंस जाते हैं क्योंकि ये सारे देश जो हैं डेमोक्रेसी फॉलो करता है और कई देश में डेमोक्रेसी आए दिन जो है सस्पेंड हो जाती है ठीक है तो देखा जाए तो यहाँ पर हम इन्हीं बातों पर जो चर्चा करना है कि दक्षिण एशिया देशों के सामान्य समस्याओं का विश्लेषण सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया के देश में कौन कौन देश सम्मिलित हैं जनरल सी बात है सबसे पहले तो भारत ही आएगा उसके बाद पाकिस्तान भूटान बांग्लादेश नेपाल मालदीव और श्रीलंका ये सारे के सारे देश जो हैं दक्षिण एशियाई देश में सम्मिलित है अब देखा जाए तो सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर विभिन्नताओं से भरा हुआ समय काल है यानी देखा जाए तो आपको यहाँ पर सबसे छोटी चोटी से लेकर सबसे बड़ी चोटी तक भी नज़र आ जाएगा यानी हिमालय से लेकर अरब सागर बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर जैसे विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्र क्षेत्र के हिस्सा हैं जो कि इनको काफ़ी खास बनाता है और ये नहीं कहिएगा कि दूसरे देशों से इसमें संसाधनों की कमी है कहते हैं दूसरे देशों में संसाधन तो है ही नहीं जितनी इन दक्षिण एशियाई देशों में है लेकिन जनरल सी बात है कि यहाँ पर हर चीज़ पे एक राजनीतिक होती है आप भारत का ही देखिए भारत किसी भी क्षेत्र में जो है कम नहीं है सभी देशों से बराबरी करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ तो सबसे बड़ी समस्या भारत की जो है गरीबी बेरोजगारी जो आम है कत्ल तो ये ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जो भारत को आगे बढ़ने नहीं देती है और इन सब का कारण सबसे बड़ा जो है राजनीति नेता लोग होते हैं क्योंकि इन्हीं के कारण जो है गरीबी बढ़ती चली जा रही है और देखा जाए तो बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही है तो ये सारी समस्याएं हैं और ये भारत की समस्या नहीं है पाकिस्तान में भी ऐसा है पाकिस्तान भी जो है भूखमरी बेरोजगारी गरीबी आतंकवादी समस्याएं इन सब से जूझ रही है इवन कि देखा जाए तो भूटान भी अछूता नहीं है इन समस्याओं से अब भूटान की बात करते हैं तो बांग्लादेश कहाँ इन समस्याओं से दूर रह सकता है और नेपाल को तो आपको पता ही है कि चीन आए दिन जो है उसको परेशान करता रहता है और नेपाल भी अपनी समस्याओं से दूर नहीं रह सकती मालदीव की वही हालत है और श्रीलंका में तो सरकार ही गिर गई है सरकार तो वहाँ पर भी क्या कर रही है इतनी कर्ज ले रखी है
कि इसकी दुर्दशा जो है औरों देशों से बहुत ही बुरा हो गया है। तो देखा जाए तो ये कर्ज कौन लेते हैं? पॉलिटिकल नेता ही लेते हैं, और वो देश के नाम से लेते हैं और सारे के सारे अपने जेब में रख लेते हैं। तो ये सारे कारण यहाँ पर समस्या जो है आम है, फिर भी हम पॉइंट के अंतर्गत इन समस्या को एनालाइज करना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आपको तो पॉइंट एग्ज़ाम में लिखना है। तो देखिए उनमें से आम समस्याएं कुछ यहाँ पर दिया है, जिसको आपको कॉपी पे नोट भी करना है और याद भी करना है। सबसे पहली समस्या तो यही आती है, जो कि मैंने बोला भी है, बताया भी है, गरीबी। दक्षिण एशिया के सभी देशों के बड़ी संख्या में गरीबी से पीड़ित है, यानी देखा जाए तो सभी देशों में गरीबियों की संख्या इतनी है कि बहुत बड़ी संख्या जो है गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। इवन कि अगर भारत में देखा जाए तो लगभग 38% लोग गरीबी में जी रहे हैं, और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब सोचिएगा कि सभी देश तो आगे तरक्की कर रहा है, तो भारत में गरीबी की प्रतिशत इतना अधिक क्यों बढ़ता जा रहा है? दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। भारत अपने आप को बड़े बड़े देशों के समक्ष खड़ा करना चाहता है, लेकिन भारत के जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनको ये बात कभी भी समझ में नहीं आई है कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ता बढ़ती चली जा रही है। अगर देश की कंडीशन अगर आपको ठीक करना है तो पहले देश के अंधुनी बातों को ठीक करना पड़ेगा। कहते हैं अगर हम अपने आप को ही बेहतर बना ले तो हम सबके लिए बेहतर बन सकते हैं, लेकिन भारत का सोच ऐसा नहीं है। भारत में आप देखिएगा आए दिन बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, भूखमरी बढ़ती चली जा रही है, अनपढ़ता की दर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये बात सरकारी आंकड़े में सब बारे बात गलत दिखाई जाती है। कहते हैं बड़े बड़े देशों ने जो है सूरज पर जाने की कोशिश नहीं किया, लेकिन भारत ने जो है 400 करोड़ रुपया जो है इसमें झोंक दिया। आखिर हम गरीबी देखें कि अपने आप को हम चांद पे पहुंचाएं? कहते हैं ये सब मिशन के लिए बहुत सारे अमाउंट में पैसे लगते हैं, और ये पैसा कहाँ से आता है? भारत सरकार खुद तो नहीं कमाती है या मेहनत करने तो नहीं जाती है किसी देश में, वो तो आम व्यक्तियों से ही लिया जाता है। और आम व्यक्तियों से कैसे लिया जाता है, सरकार कैसे लेती है? सभी सामानों पर टैक्स लगा के, सभी सामानों की कीमत बढ़ा के। तो सोचिए भारत में गरीबी क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, जब हम इतने सारे पैसे जो हैं जो उन कामों पे लगा रहे हैं जिनका अस्तित्व जो है किसी को पता नहीं है। कुछ बातों पर अगर हम ना जाने तो ही हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम अपने देश को, अपने हम पृथ्वी को अगर संरक्षित कर लें तो हमें किसी दूसरे जो है ग्रहों पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और आपको क्या लगता है कि इंसानों ने जो पूरे ब्रह्मांड को जो है कचरा का ढेर बना दिया है, क्या प्राकृतिक इंसानों को छोड़ देगा? संभव ही नहीं है, प्राकृतिक भी इसका बदला जरूर लेगा। आने वाला समय में देखिए कि ऐसे ऐसे आप घटनाओं से रूबरू होगे जिसका कोई जो है जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान अगर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाता है तो प्राकृतिक उसको दिखा देती है कि तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। अब भारत की गरीबी के कारण यही सब बन रहे हैं। हमारे कहते हैं कि हमारी जो है पहुंच कम है, लेकिन हम अपने आप को बहुत आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार कभी बात नहीं सोची। सरकार को तो अपना मिशन करना है, अपने पीठ थपथपाने हैं। आप कीजिए, अच्छी बात है कीजिए, लेकिन पहले अपनी देश को भी हालत तो देख लीजिए कि भारत में गरीबी कितनी जो है बड़ी संख्या में बढ़ रही है। अब देखिए पूरे देश में देखा जाए तो 38%, अगर ये आंकड़ा अगर देखिएगा तो 50% के आसपास है, यानी भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इन सारे देशों के अंतर्गत देखा जाए तो 50% जो गरीबी रेखा है भारत में है। और भारत गरीब क्यों नहीं होगा जब यहाँ की सोच ही महान है? कहते हैं बड़े बड़े देश हैं, नासा अमरीका है, उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं किए
जो उनको पता है कि इसे करने से उनको कुछ नहीं मिलना है, लेकिन भारत इसके लिए अग्रसर है और भारत के इतने सारे पैसे इन एक्सपेरिमेंट में लगाई जाती है, जिसके कारण जो है न जाने कितने प्रकार की समस्या आम गरीबों को ही सहना पड़ रहा है। अगर आप चले जाइए मार्केट में तो उसकी गरीबी जो है, गरीबी आपको साफ दिख जाएगा। जो सामान कुछ कीमत पे थी आज उतनी जो है रेट बढ़ गई है, तो गरीबी क्यों नहीं आएगी? क्यों गरीबी रेखा से भारत जो है कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? तो जनरल सी बात है, भारत की दशा का जो है सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है ये राजनीतिक नेता है और उनकी सोच है। हमेशा दोस्तों याद रखना कि कोई बड़े पोस्ट पे अगर हम जाते हैं तो हमें निजी फैसला लेने के अधिकार हमें नहीं है, हमें सभी लोगों को साथ लेके चलना होगा। सरकार यही बात कहती, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप ना तो सबका साथ दे रहे हो ना ही सबका विकास हो रहा है। सब साथ तो आप दे रहे हो लेकिन बड़े लोगों को, और विकास तो कर रहे हो लेकिन बड़े लोगों का, आम लोगों तो गरीब की कहते रोटी कमाने में ही उनका व्यतीत हो जाता है। कहते हैं सुबह वो कमाने जाते हैं, शाम तक उनको रोटी मिलेगा कि नहीं यही सोचने में लगे जाते हैं। क्योंकि अगर आप मंडी में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में सब्जी उब्जी लाने चले जाइए, चावल दाल लेने चले जाइए, आजकल तो दुकानदार भी भाव खाते रहते हैं। अगर दूसरे दुकान से एक रुपया कम रेट पे दे रहे हैं ना, अगर आप कुछ समय के लिए नहीं लेते हो ना, तो वो भी भाव खाने लग जाती हैं। आज ऐसी समस्या पैदा हो गई है। सोचिए, विचार कीजिए कि भारत क्या गरीबी रेखा से नीचे उतर पाएगा? हम चांद पे तो पहुंच गए, हम सूरज पे भी चले गए हैं, लेकिन क्या हम गरीबी रेखा से नीचे जा पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो मानवाधिकार का उल्लंघन, असामाजिक तत्व और सांप्रदायिक तत्व और नकारात्मक दृष्टिकोण, सोच और दृष्टिकोण वाले लोगों ने मानवाधिकार को बड़ा खतरा हुआ है। तो ये बातें तो आम है, मानवाधिकार का उल्लंघन करना, सांप्रदायिक तत्व, नकारात्मक दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आपको तो पता है सांप्रदायिक दंगा फसाद भारत में आए दिन होता ही रहता है, और ये सब कौन करवाते हैं? राजनीतिक नेता। नकारात्मक दृष्टिकोण किनके पास है? राजनीतिक नेताओं के पास, क्योंकि वही तो रिप्रेजेंटर होते हैं, वही तो पूरा देश को चला रहे होते हैं। कहते हैं अगर कोई कार्य के लिए कुछ निजी क्षेत्र में ही चले जाइए, अगर निजी क्षेत्र में रोड सड़क बनाने के लिए जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर दिए जाते हैं या कोई वहाँ पर जो है काउंसलर होता है, तो सारे पैसे उनके जेब में जाते हैं। किसी भी क्षेत्र के काउंसलर का एक बार एनालिसिस कर लीजिए आप, अगर वो 5 रुपया से जो है पोस्ट पे आया है, अपने पैसा लगा के वो पोस्ट पे आया है, जब वो पोस्ट छोड़ रहा है 5 साल के बाद, तो वो करोड़पति बना हुआ होता है। आखिर इतना पैसा कौन देता है उसको? सोचिए, विचार कीजिए। तो भारत में क्यों नहीं होगा नकारात्मक दृष्टिकोण? क्यों नहीं सांप्रदायिक तत्व जो है अपना ऐश करेंगे यहाँ पर, जब हमारे देश के लोग ही इस प्रकार के नेताओं को चुनते हैं? आज तक मैंने किसी को भी पारदर्शिता का अनुभव नहीं किया है। कोई ऐसा मंत्री है जिसका तनख्वाह 1 लाख हो, उसी हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो उसके अकाउंट में उस तनख्वाह से भी कम राशि मिलता हो? संभव ही नहीं है। जितना उनका तनख्वाह होता है ना, अगर 5 साल के बाद कैलकुलेशन करें तो उसका जो है 10,000 गुना पैसा अधिक होगा उनके अकाउंट में। तो देखिए, ये है ना नकारात्मक दृष्टिकोण। अगली अगर हम समस्या की बात करें दक्षिण एशिया देशों में, तो कहते हैं लोकतंत्र के सामने एक समस्या, दक्षिण एशिया कई देशों एक लोकतांत्रिक देश बनाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्हें एक समस्या का सामना करना ही पड़ता है। यानी देखा जाए तो दक्षिण एशिया देश जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छा मानते हैं, लेकिन इस समस्या से वो हमेशा जूझते रहते हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र होना संभव नहीं है। और लोकतंत्र क्यों नहीं हो पाते हैं? जैसे हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर बड़े बड़े जो पादरी हैं, बड़े बड़े साहूकार लोग हैं, जिनके कारण जो है वहाँ पर लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाता है। और यही कारण है भारत में भी अगर देखिए बात अगर हम करें तो, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यूटी और जो है राज्य काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, बहुत काफ़ी बदल गए हैं। कारण क्या है? यहाँ पर भी वही बात है, फूट डालो और अपना एक अलग राज्य बनाओ की नीति अपना रहे हैं। अगर आप देखिएगा तो कई राज्यों को जो है 2 भागों में बांट दिया गया है, कारण यही है। और इन्हीं कारणों से जो होता है यहाँ पर, बेशकली भारत में लोकतंत्र हम सदैव बहाल रही है, लेकिन राज्यों का जो है विघटन हमेशा होता ही रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है
क्योंकि आपको पता है कि जिस राज्य का विघटन होगा वहाँ पर फिर से जो है मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, गवर्नर यानी कितने तरह के लोगों को वहाँ पर जो है बहाल करने पड़ते हैं और इनका जो है खर्चा भारत सरकार को ही उठाना पड़ता है और यह आम लोगों को ही जो है टैक्स के रूप में देना पड़ता है। तो जनरल सी बात है, ये सारे दृष्टिकोण जो है काफ़ी प्रभाव करता है लोकतांत्रिक देशों की समस्याओं के अंतर्गत और ये एशिया देशों की तो मेन प्रॉब्लम है। अगली बात करें महिला रोजगार, अधिकांश दक्षिण एशिया देशों में महिलाओं के आमतौर पर निचले स्थान पर देखा जाता है और ये प्रतिबंधित है और अपने समकक्षाओं की तरह उन्हें स्वतंत्र नहीं है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि अगर हम बात करें महिलाओं की तो भारत के देश के साथ साथ जो है दक्षिण एशिया देशों में इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। हर माता पिता का यही विचारधारा होती है कि लड़कियाँ क्या कर सकती हैं, खाना बनाएगी और क्या करेगी, लेकिन बाहरी देश में जाकर अगर आप देखिए तो लड़कियाँ जो है लड़के कदम ताल कर रही है। भारत में जनरली तौर पर देखा जाए तो वही लड़कियां काम करने जाती है ऑफिसों में या कहीं जो आर्थिक तौर से मजबूर होती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, दोनों को साथ मौका मिलता है। लड़कियां का अगर एक बार फेल हो जाए, कंपार्टमेंट आ जाए, माता पिता डायरेक्ट हाथ उठा देते हैं कि हमसे पढ़ाई अब होगा नहीं बच्चे, बहुत पैसा खर्च हो गया। लेकिन लड़का अगर 10 बार भी फेल हो फिर भी माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं बेटा आगे कर लो। यही सोच विचार जो है ये कई देशों में ये बरकरार है, चाहे एशिया के कोई भी देश में आप चले जाओ ये विचारधारा सदैव ही मिलता ही रहेगा, जिसके कारण जो है महिला रोजगार के अधिकांश एशिया देशों में नहीं दी जा रही है, महिलाओं को जो है रोजगार से दूर रखी जा रही है। मैं एक बात हमेशा पढ़ा हूँ और जाना हूँ, अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हो तो उसका पूरा जो है आने वाला वंश शिक्षित हो जाता है, लेकिन अगर पुरुष को शिक्षित करते हो तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जनरल सी बात है, महिलाओं को शिक्षित कीजिए, पूरा देश शिक्षित हो जाएगा, सारे लोग समझदार हो जाएंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ भारत पे लागू नहीं होता है, सारे एशिया देशों पर ही लागू होता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए कि महिलाएँ जो हैं बेफिक्र अपना कार्य जो है आसानी से कर सकें। आज देखा जाता है कोई महिलाएँ ऑफिस में काम करने जाए या बाहर काम करने जाए तो लोगों की सोच विचार से ही वो बेचारी परेशान हो जाती है और ये सारे एशिया देशों में ही इस तरह की भावना रही है। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि एशिया देशों में कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो आपने देख लिया होगा यहाँ पर जो है लोकतंत्र का विफल होना, ठीक है, महिलाओं को सशक्तिकरण न होना, ठीक है, कहते हैं सांप्रदायिक दंगे, फसाद, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारे देशों में विद्वान है जिसके कारण जो है साउथ एशिया के देश जो आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसको एग्ज़ाम व्यू से आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर आपको ये बात समझ में आई, अच्छा लगा, अगर क्वेश्चन को समझ में आ गया, अगर आपको अच्छे से लगा, समझ में आया है, तभी मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको समझ में आ जाता है तभी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि तभी जो है आप सही मानने में जो है इसको शेयर करने के अधिकारी हो जाते हो। क्योंकि समझ में नहीं जब आपको आता है तो कैसे आप दूसरे बच्चों को ये दे सकते हो, संभव ही नहीं है। इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि सही से समझिए, सोचिए, विचार कीजिए और जब समझ में आ जाए तो दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, अगर वीडियो समझ में आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में रख लीजिए। अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और वो सारे वीडियो आपके लिए ही होगा या आपके अपनों के लिए ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 8th क्लास से MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। ठीक है, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।